अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जो हम अकबर सदी की बुक कर रहे थे, ठीक है। उसमें जो चैप्टर नंबर 12 है, आज वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है वो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, अब बेसिकली वो क्या कहती हैं कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट जो है उसको वो इनकरेज ज़्यादा नहीं करती। क्यों सेंट्रलाइज्ड स्टेट को इनकरेज नहीं करती, हम थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि हमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे, ठीक है। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन क्या चीज़ होती है कि कोई भी इकॉनमी, ठीक है, अगर उसकी गवर्नमेंट या उसकी जो पावर है वो किसी भी एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन के हाथ में हो, सारी पावर्स जो हैं, सारे प्रोविंसेस जो हैं उनकी पावर किसी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में हो, ठीक है, और वही अथॉरिटी जो है वो फैसला लेने की उसके पास पावर हो, तो वो हम कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी है, ठीक है। यानी कि एक सेंटर है वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही पॉलिसीज बना रहा है, वही हर चीज़ पर चेक एंड बैलेंस रख रहा है, वही ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ जो है वो उसी के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। जबकि अब जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं, ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, वो कहती हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी है उनके अंदर पोटेंशियल कम होता है कि वो ग्रोथ या डेवलपमेंट कर सकें। क्यों उनके अंदर पोटेंशियल कम होता है? क्योंकि एक जो अगर सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी जो है वो सेंट्रलाइज्ड कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर एक सेक्टर के ऊपर आए रख सके अपनी, ठीक है, हर एक सेक्टर को वो कीनली ऑब्जर्व कर सके और उसके लिए उस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं जो कि उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट हों और मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज़ हैं उनको डिवेलप कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है उसका जो मेन हब है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर कैपिटल एरिया में है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में है, ठीक है, तो उस अथॉरिटी के लिए जहाँ पे पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल कचरे का मसला नहीं है, पोल्यूशन का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है, वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, तो वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स होंगे, जो उनकी जिनकी रिहाइश वहाँ पे होगी, जो वहाँ रहते होंगे और जिन्होंने सिंध का एरिया या पंजाब का इंटीरियर एरिया जो है विजिट कभी नहीं किया होगा या वो वहाँ रहते नहीं होंगे, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि उनके मसाइल को वो समझ सकें डीपली, ठीक है। जब तक एक इंसान उस एरिया में रहता ना हो या उस एरिया के नियर बाय विसिनिटी एरिया में वो उसकी जो है वो सराउंडिंग में वो इशूज़ जो है जनरेट ना हो रहे हों, तब तक उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उन प्रॉब्लम्स को डीपली अंडरस्टैंड कर सके या उनके लिए इफेक्टिव पॉलिसीज जो है वो बना सके, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइज करने का मकसद बेसिकली यही होता है इकॉनमी को, ताकि जो डिफरेंट एरियाज हैं या पावर जो हैं वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ को दी जाएँ, ताकि वो अपने एरिया वाइज उन चीज़ों को इजीली लेकर चल सकें और उनके लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसीज या इफ़ेक्टिव तरीके से उनको जो ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब स्मॉलर मोर रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल यूनिट्स जो हैं उनको ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डिलीवर जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज जो हैं, डेवलपमेंट थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हमने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व किया कि जिन इकॉनमीज के अंदर सेंट्रलाइज्ड स्टेट थी, जो इकॉनमी सेंट्रलाइज्ड थी, ठीक है, वहाँ पे पॉलिसीज जो हैं वो इतनी इफेक्टिवली उन्होंने अपना जो रोल प्ले करना था वो नहीं किया, ठीक है, उनके आउटकम्स जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। जबकि अगर डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमीज के अंदर हम वही पॉलिसीज जब हम लेकर आए तो उनमें हमें आउटकम जो हैं वो बेहतर मिले। अच्छा, इसका एक और पार्ट ये होता है कि इससे डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, यानी जमहूरियत आती है। हर एक बंदा जो है जब अपने आप इलाके के अंदर से अपना जो नुमाइंदा है वो मुंतखब करते हैं, ठीक है, तो उस वो नुमाइंदा जो है वो इस बेस के ऊपर मुंतखब किया जाता है कि वो आपके मसले जो है वो समझता है और उनका हल निकालने के लिए वो अवेलेबल रहेगा। यानी अगर किसी इंसान को उससे मिलना है तो वो जो है बजाय कि वो एक सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी हो या कि कोई जो है अब जो जनरल पब्लिक है वो उसकी अप्रोच ही ना हो वहाँ तक, ठीक है,
तो एक जो आपका लोकल डोमेस्टिक उसका एरिया का बंदा होगा, आपकी जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उससे मिलना जो है वो ज़्यादा आसान है, बजाय कि आप किसी सेंट्रलाइज्ड एरिया में जाएं। ठीक है, वो बंदा जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके मसले ज़्यादा आसानी से समझ सकेगा और आपकी अप्रोच में होगा। ठीक है, आपको आंसरेबल होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा बेसिकली वो आपके आगे कि उसने क्या पॉलिसीज बनाई। और नेक्स्ट टाइम जो है, आप जब अपना उस बंदे को दोबारा से इलेक्ट करने की बारी आएगी, तो आप देखेंगे कि पिछले 10 ईयर में उसने अपनी कितनी जो है सर्विसेज हमें दी हैं, ताकि हम अगर दोबारा उसी को हायर की जो है सीट मिलनी चाहिए, उसी को दोबारा मौका मिलना चाहिए, या फिर किसी और बंदे को उसकी जगह पे लाना चाहिए। ठीक है, सो डेमोक्रेसी भी इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट होती है। डेमोक्रेसी इज इसेंशियल टू मेक डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, जब भी डेवलपमेंट वर्क करने की बात आती है तो डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जमहूरियत होनी चाहिए। ठीक है, हर एक को बोलने का हक होना चाहिए, हर एक की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान के जो मसले हैं उनको जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक जाने की पूरी पूरी इजाज़त होनी चाहिए। अ कंसिडरेबल रिस्पॉन्स बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट एजेंसीज एंड डोनर इज गिवन। ठीक है, अब जो इकोनॉमीज को डिसेंट्रलाइज करने की जब बात आती है, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है। जो डोनर कंपनीज हैं या इंटरनेशनल जो डोनर इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि जो इकोनॉमीज हैं वो डिसेंट्रलाइज हों। ठीक है, ताकि जो डेवलपमेंट का काम है वो आसानी से हो सके। ड्यू टू सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज टेकन प्लेस ओवर टाइम, पीपल्स पावर इमर्ज एज अ फोर्स टू रिस्पॉन्ड स्टेट। ठीक है, जैसे जैसे सोशल और पॉलिटिकल जो चेंज आता जा रहा है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोगों की पावर है उसे इमर्ज हो रही है एज अ फोर्स टू रिस्पॉन्ड स्टेट लेड इनिशिएटिव्स। ठीक है, जैसे कि फिलिपाइन में हुआ, साउथ अफ्रीका के अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो इनमें ऐसा ही हुआ कि जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज आ रही थी, ठीक है, टाइम के साथ साथ, तो लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं, यानी लोग डेमोक्रेसी की तरफ आते हैं, लोग के पास जो कह सकते हैं हम के लोग अवेयर होते हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं किस तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है, आपने देखा कि पहले हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड जलसे निकालना या जुलूस निकालना या सड़कों पे आके एहतजाज करने का ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब लोगों को ये अवेयरनेस है कि अगर आपके मसले हैं जिनको आपकी लोकल बॉडीज जो हैं वो नहीं सॉल्व कर रही, तो आप उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ठीक है, आप आवाज़ उठाते हैं अपनी। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या करेंगे कि एक्सप्लोर करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन को और डेवोल्यूशन को इन पाकिस्तान के अंदर, कि जो ओवर द टाइम डेवोल्यूशन हुई है और डिसेंट्रलाइजेशन हुई है पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हुए और किस तरीके से स्टेप वाइज जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ पाकिस्तान में। चेंजिंग नेचर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट, इट्स क्लास फॉर्मेशन, पॉलिटिकल इमर्ज फ्रॉम पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन विल बी एग्जामिन इन डिटेल। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, अब जो लोकल गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर, इसमें तीन तरह के सब्सटेंटिव जो इंटरवेंशन हैं पाकिस्तान के जब से बना है, ठीक है, इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से अभी तक तीन जो हैं सब्सटेंसिव इंटरवेंशन जो हैं पाकिस्तान की जो सेंट्रलाइजेशन है उसके अंदर हो चुकी हैं। ठीक है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसको तीन बार चेंज किया जा सका है। ठीक है, उसके जो अभी तीनों बार जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो मिलिट्री गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, सिविल गवर्नमेंट ने नहीं किया, बल्कि मिलिट्री गवर्नमेंट के हाथों ये तीनों बार जो है वो हुआ है। ठीक है, जो कि बाय फोर्स आती है, जब भी मार्शल लॉ लगता है या मिलिट्री गवर्नमेंट जो रूल में आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो बाय फोर्स आती है, यानी जब वो देखती है कि कंट्री के जो सिविल गवर्नमेंट है वो अपने डिस्प्यूट खुद से हल नहीं कर पा रही, ठीक है, तो उस टाइम पे मार्शल लॉ जो है वो लगाया जाता है, या बाय फोर्स जो है वो मिलिट्री रूल आता है कंट्री के अंदर। अब जो मिलिट्री गवर्नमेंट ने रूल किया तकरीबन पाकिस्तान में, अगर हम बुक की थोड़ा सा वो देखें तो बुक ने 66 ईयर का जो अरसा है वो कवर किया है। ठीक है, तो 66 ईयर्स में से 33 ईयर्स जो है वो हम पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंस से लेकर जो बुक ने कवर किया है वो
2013-14 तक का एरिया कवर किया, तो उसमें तक 66 ईयर जो बनते हैं उसमें से 33 ईयर जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट रूल करती रही है पाकिस्तान में, और उसने इस प्रोसेस को यानी डिवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बेसिक डेमोक्रेसीज ऑफ 1960, ठीक है, 1960s की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनका क्या जो उन्होंने क्या किया कि कॉन्शियसली अंडरमाइंड दिस टायर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने इस टायर को यानी इस प्रोसेस को, इस स्ट्रक्चर को जो है कॉन्शियसली अडॉप्ट किया। 1959 में लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आए, ठीक है, और जिनको हम बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, और वो लाने वाले कौन थे, जनरल अयूब खान, ठीक है। 1959 में सबसे पहली बार जो लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म जो आए पाकिस्तान में वो लाने वाले अयूब खान थे, ठीक है। अयूब खान की हुकूमत में बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो आया था। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान जो है इमर्ज हुआ एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है। एंटिटी तो हम इंडिपेंडेंट हो गए, कंट्री भी एक इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन हमारे पास एक वेल फॉर्म स्टेट नहीं थी, हम लैक कर रहे थे वेल फॉर्म स्टेट में, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था जिसको हम बिल्ड कर सकते और जिसको हम अप्लाई कर सकते अपनी इकॉनमी के अंदर, ताकि हम अपने जो प्रोसेसेस हैं, जो अपनी पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवा सकते अपनी इकॉनमी के अंदर। इट इनहेरिटेड द ब्यूरोक्रेटिक स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच कंटिन्यूड फॉर मैनी डिकेड्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास तो एक स्ट्रक्चर तो नहीं था, तो हमने जो ब्रिटिश इंडिया से एक जो उनका फ्रेमवर्क था, ठीक है, उसको हमने अडॉप्ट किया, ठीक है, और काफ़ी सालों तक हम वही स्ट्रक्चर जो है वो चलाते रहे। अब हम अपना जो फ्रेमवर्क था वो नहीं संभाल सकते, बना सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो रिफ्यूजीज का मसला बहुत ज़्यादा था, बहुत एक ह्यूज अमाउंट में रिफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, ठीक है, और उनको सेटलमेंट का मसला जो है बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम अभी अपनी डेवलपमेंट की पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते। सो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अभी हम सिर्फ जो ब्रिटिश इंडिया का जो स्ट्रक्चर डेवलप्ड है हम उसी को फिलहाल अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। रूलिंग ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड अलाइन टू वेस्ट पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान में रूल कर रहा था ग्रुप, ठीक है, जो रूलिंग ग्रुप था पॉलिटिशियंस का, वो माइग्रेट किया हुआ था इंडिया से भी, ठीक है, और वो अलाइंड था वेस्ट पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उनका ज़्यादातर जो फोकस था या उनका ज़्यादातर जो झुकाव था वो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ था, ठीक है। और सबसे मेन ये बहुत एक बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका कभी होल्ड नहीं रहा पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि उनका झुकाव जो था वो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ था। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे और ब्यूरोक्रेट्स थे फ्रॉम ब्रॉड नेक्सस ऑफ रूरल हैविंग लिटल इंडस्ट्री एंड नो मिडिल क्लास, ठीक है, उनकी तो मिडिल क्लास थी नहीं, सो वो मिडिल क्लास के मसले समझ भी नहीं सकते थे, ठीक है, लेकिन उनका आपस में नेक्सस बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, और उनके पास उनकी ओनरशिप में इंडस्ट्री बहुत कम थी, बल्कि उनका जो मेन होल्डिंग थी वो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, उनकी लैंड होल्डिंग्स उनके पास ज़्यादा थी। अब इस सारी अरेंजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टर थे वो मिलिट्री थी, ठीक है, मिलिट्री ही अपनी बाय फोर्स जो है वो कोई लॉ ला सकती है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो मिलिट्री ने बेसिकली ये अपना जो है वो जिम्मेदारी ली कि वो लैंड रिफॉर्म जो है वो कंट्री के अंदर लेके आए। इन द फर्स्ट डिकेड पॉलिटिशियंस वर अनएबल टू कम टू पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स और एज रिप्लेस्ड बाय हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो स्टार्ट में फर्स्ट डिकेड जो थी पाकिस्तान की, उसमें पॉलिटिशियंस जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को ला सकते, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, रिफ्यूजीज का मसला था, ठीक है, हमारे पास इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग नहीं था, हमारा इवन कोई भी सेक्टर जो है उस टाइम पे स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। सो हम एक न्यू इमर्जिंग स्टेट थे, न्यू इमर्जिंग स्टेट के बहुत सारे जो सोशल और इकोनॉमिक इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा सा सेटल होने में काफ़ी इशूज़ होते हैं। पाकिस्तान लैक्ड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज हाईली रूरल एंड अंडर डिवेलप, ठीक है, हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे नहीं था, हमारा जो ज़्यादातर एरिया था वो रूरल था, ठीक है, और साथ साथ
अंडर डिवेलप्ड था, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज अंडर डिवेलप्ड थे, अनटच्ड थे रिसोर्सेज हमारे पास, और उसके साथ साथ हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं था जो जिनकी मदद से हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते. मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एग्रीवेटेड बाय 7 मिलियन रिफ्यूजीज कम फ्रॉम इंडिया आफ्टर पार्टीशन. ठीक है, 7 मिलियन के अराउंड जो है रिफ्यूजीज इंडिया से माइग्रेट करके आए पार्टीशन के टाइम पे, उनका प्रॉब्लम जो थे वो उनको सेटलमेंट करना, उनको फूड शेल्टर प्रोवाइड करना भी जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इन अ डिफिकल्ट स्टेट टू मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री सेट पाथ टूवर्ड डेवलपमेंट. ठीक है, अब ये ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेट थी. ठीक है, इसमें अब दो जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस थे हम उस टाइम के, हमारे ब्यूरोक्रेसी और एक मिलिट्री, ठीक है, उन्होंने डेवलपमेंट का पाथ सेट करना था. ठीक है, वही उस टाइम पे पावरफुल थे, उनके पास जो है वो पावर थी कि वो कोई भी जो रूल है वो पास आउट कर सकते हैं इकॉनमी के अंदर. अयूब खान के रिजीम में क्या हुआ कि हैज शोन इटसेल्फ एज सीरियसली एनर्जेटिकली डिवोटेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट. ठीक है, अब जो अयूब खान की रिजीम थी उसने एनर्जेटिकली काम किया ताकि लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर हमने जो पीछे वीडियोस बनाई हैं उसमें भी हमने देखा कि अयूब खान की हुकूमत के अंदर जो है लैंड रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और फर्स्ट लैंड रिफॉर्म आए भी इनकी गवर्नमेंट में थे. फिर रिस्टोरेशन ऑफ सिविल एंड गवर्नमेंट भी इनका जो मेन फोकस था वो था. जनरल अयूब इम्पोज फर्स्ट मार्शल लॉ इन 1958. ठीक है, फर्स्ट जो मार्शल लगा पाकिस्तान में 1958 में वो जनरल अयूब ने लगाया एंड टू गवर्नमेंट फ्रॉम पॉलिटिशियंस. ठीक है, हु आर अनएबल टू सॉल्व देयर डिफरेंसेस. ठीक है, अब जो उस टाइम के पॉलिटिशियंस थे ज़ाहिर है उनसे अपने डिफरेंसेस जो थे उनके अपने प्रॉब्लम जो थे वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे, तो मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई पाकिस्तान में, मार्शल लॉ लग गया 1958 में. बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर अपीयर्ड इन अक्टूबर 1959. ठीक है, अब जो बेसिक डेमोक्रेसीज हमने पढ़ा कि पहला ऑर्डर जो था 1959 में पास हुआ अक्टूबर 1959 में, एंड आफ्टर टू मंथ बेसिक डेमोक्रेट्स वर इलेक्टेड. ठीक है, अब बेसिक डेमोक्रेट्स जो थे उस टाइम पे वो 2 माह के अंदर ही बेसिक जो डेमोक्रेट्स थे वो इलेक्ट हो गए. अप्रैल 1960s की अगर हम बात करें यानी विद वेरी नेक्स्ट ईयर 1959 में जो ऑर्डर आया और अप्रैल 1960 में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस आया फॉर अर्बन एरियाज. ठीक है, अर्बन एरियाज के लिए वर इनेक्टेड गिविंग राइज टू अर्बो रूरल लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. ठीक है, और उसने क्या किया कि अर्बो रूरल लोकल गवर्नमेंट को बेसिकली इन्हेंस किया या प्रमोट किया. इस ऑर्डिनेंस का मेन जो मोटिव था कि अर्बन और रूरल दोनों एरिया की डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए. तो रूरल एरिया को अगर आप सेंट्रलाइज्ड ही रहते यानी आप जो छोटे एरियाज हैं रूरल एरियाज हैं, ठीक है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको अगर आप पावर नहीं देते तो वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती. ठीक है, बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर 1959 इन वेस्ट अ न्यू सिस्टम फॉर लोकल गवर्नमेंट बिल्ड अप थ्रू हायरार्कियल 4-tier सिस्टम. ठीक है, अब उन्होंने एक 4-tier सिस्टम जो है वो डेवलप किया 1959 में. ठीक है, जिसका मेन मकसद ये था कि एक हायरार्की बनाई जाए कि जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलपमेंट में किस तरह अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं या उनको किस तरह से डेवलपमेंट में अपने साथ जो है मिलाया जा सकता है. 37,959 जो विलेजेस थे उनको हमने डिवाइड किया यूनियन काउंसिल्स के अंदर. ठीक है, इन रूरल एरियाज और टाउन कमेटी में. ठीक है, यानी तकरीब अराउंड 40,000 जो विलेजेस थे उनको हमने डिवाइड किया यूनियन काउंसिल्स में, उनकी यूसीज बनाई. ठीक है, और साथ टाउन कमेटीज बनाई. ठीक है, ताकि उनकी जो है वो हदबंदी की गई ताकि उनको डेवलपमेंट में अपने साथ जो है वो उनकी पार्टिसिपेशन को भी देखा जा सके. टाउन कमेटीज में क्या था कि लेस देन 14,000 इनहैबिटेंट्स थे. ठीक है, टाउन कमेटीज जो बनाई गई उनको इस बेस पर बनाया गया, उनका क्राइटेरिया ये रखा गया कि 14,000 से कम इनहैबिटेंट्स जो हैं उसमें होने चाहिए, और यूनियन कमेटीज जो थी उनके अंदर 14,000 से ज़्यादा इनहैबिटेंट्स थे. नेक्स्ट हायर जो टायर था यानी नेक्स्ट हायर जो स्टेप था इसमें वॉज ऑफ तहसील काउंसिल. ठीक है, फिर उसके बाद एक तहसील काउंसिल बनाएगी रूरल एरियाज के अंदर. ठीक है, इन म्यूनसिपल कमेटीज और कंटोनमेंट बोर्ड्स इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड बनाया गया और जो रूरल एरियाज थे उनके अंदर तहसील काउंसिल्स बनाई गई, म्यूनसिपल कमेटीज बनाई गई बाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड डिवीजन काउंसिल. ये अब बनाना किसका काम था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का और डिवीजनल जो काउंसिल्स होती हैं उनका काम था.
लोएस्ट टायर जो था इसमें वाज यूनियन काउंसिल, ठीक है। अब इसमें जो सबसे लोएस्ट स्ट्रक्चर में जो लोएस्ट पार्ट था वो यूनियन काउंसिल का था। टाउन कमेटीज एंड यूनियन कमेटीज जो थी हेड मेंबर्स इलेक्टेड बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, जिनकी एडल्ट फ्रेंचाइज थी उनको जो है वो उनके पास टाउन कमेटीज भी थी और यूनियन कमेटीज भी थी एंड इलेक्टेड चेयरमैन अमंग देमसेल्फ, और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो अपना चेयरमैन खुद ही अपने अंदर से इलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, यानी टाउन कमेटीज और यूनियन कमेटीज जो हैं वो अपने अंदर से ही अपना चेयरमैन जो है वो इलेक्ट करती थी, ठीक है, यानी अपना जो एक सेंट्रल बॉडी है वो खुद ही वो इलेक्ट कर रही हैं। ईच म्यूनसिपल कमेटी हैड काउंसिल कंपोज्ड ऑफ ऑल चेयरमैन, ठीक है, जितने भी जो म्यूनसिपल कमेटी हैं उसमें उसके पास जो काउंसिल है, काउंसिल की अंदर कौन कौन है, चेयरमैन हैं यूनियन कमेटीज के, काउंसलर्स हैं, ऑफिशियल्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एजुकेशन का डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, इन सब डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी उस काउंसिल का पार्ट होंगी, यानी म्यूनसिपल कमेटी के पास हेड काउंसिल, ठीक है, उनके पास काउंसिल है जिस, और उस काउंसिल के कौन कौन मेंबर्स होंगे, चेयरमैन जितने भी हैं, ठीक है, यूनियन कमेटी मेंबर्स जितने भी हैं, काउंसलर जितने भी हैं और ऑफिशियल्स जितने भी हैं। अब जो चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी का वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, अब जो पूरी म्यूनसिपल कमेटी है, ठीक है, ओवरऑल उसका जो चेयरमैन होगा मेन एक वो गवर्नमेंट अलॉट करेगी, यानी वो गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी। इन अदर केस असिस्टेंट, यानी अगर गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं कर पा रही तो दूसरे केसेस में क्या है कि असिस्टेंट जो कमिश्नर है वो या तहसीलदार जो है वो चेयरमैन की फराइज जो है वो अंजाम देगा। अयूब खान सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक रिजीम वॉज द डिवेलपमेंटिस्ट रिजीम विद सब्सटेंशियल फोकस टूवर्ड्स इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड कैपिटल, ठीक है, अयूब खान ने बहुत ज़्यादा जो फोकस किया उसका जो उसकी जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक रिजीम थी, ठीक है, उसका जो मेन फोकस था वो डिवेलपमेंट वर्क के ऊपर था, ठीक है, यानी और उसकी इरा ऑफ डिवेलपमेंट भी कहते हैं हम जो अयूब खान की रिजीम है उसको हम पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इरा ऑफ डिवेलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, उसमें सब्सटेंशियल वर्क हुआ इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन एंड कैपिटल इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज, यानी दोनों को इंपॉर्टेंस दी गई, सिर्फ अर्बन एरिया की इंडस्ट्री को इन्हांस नहीं किया गया बल्कि रूरल एरिया को भी साथ साथ जो है वो उसके रिफॉर्म भी लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए, ठीक है, इसके साथ साथ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत डिटेल में पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन उसके टाइम पे आई थी, बोथ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर आउटपुट शो फिनोमिनल ग्रोथ, उसके टाइम पे अराउंड 8% जो है वो हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी। फोकस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वॉज टू ब्रेक द होल्ड ऑफ पॉलिटिकल लैंड ओनिंग क्लास, ठीक है, उसका मेन फोकस क्या था कि जो एक लैंड ओनिंग क्लास जो है जो कि पूरे कंट्री के ऊपर रूल कर रही है, ठीक है, और अपनी मर्जी की पॉलिसीज जो है वो बना रही है, ठीक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉलिसीज बना रही है, बेसिकली उसको ब्रेक किया जाए ताकि कंट्री को ओवरऑल जो है वो हम डेमोक्रेटिक कंट्री बना के एक डेवलपमेंट के पाथ की तरफ लेके जा सकें। अब इसकी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज थी उनका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि ऑफ द रिफॉर्म्स वर बोथ, यानी दोनों साइड से उसको जो है आउटकम मिली, होल्ड ऑफ लार्ज ओनर्स जो है वो कम हो गए क्योंकि उसने जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया इकॉनमी को, और दूसरा यानी लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स में भी यही था कि टेनेंट्स जो थे उनको फोकस दिया गया, उनको लैंड दे जाने की बात की गई, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड भी दिया गया, ठीक है, सो यानी उसने लैंड ओनर्स की पावर को बेसिकली थोड़ा सा कम किया, और साथ साथ दूसरी तरफ क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी में भी रेवोल्यूशन लेके आया, और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी रेवोल्यूशन का पॉलिसीज जो हैं वो उसने बनाई, ठीक है, सो ओवरऑल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर काम किया। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ लीड फार्मर स्ट्रेटजी, ग्रीन फार्मर जो रेवोल्यूशन थी उसको हम एक लीड फार्मर स्ट्रेटजी क्योंकि उसके अंदर हमने देखा था कि मेन उसका फोकस जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें जो ट्रैक्टर्स हमने इम्पोर्ट करवाए थे, हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स जो थे वो इम्पोर्ट करवाए थे, उसके अलावा ट्यूबवेल्स इनकी इंस्टॉलेशन थी पंजाब के एरिया में ज़्यादा थी, सिंध के और जो बाकी एरियाज हैं पाकिस्तान के, ठीक है, उनमें कुछ कम थी जिनकी कुछ रीजंस थी क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड नहीं अवेलेबल था, इसलिए पंजाब की तरफ फोकस ज्यादा था ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसके साथ साथ सब्सिडी प्रोवाइड की गई मिडिल फार्मर्स को ताकि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें और प्रोडक्शन को अपनी इन्हांस कर सकें।
दिस वॉज द एसेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड कैपिटलिस्ट फार्मर्स, ठीक है। अब ये सारा जो है वो एसेंस है एक बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का, एंड कैपिटलिस्ट फार्मर्स एमर्ज एज डोमिनेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्स, ठीक है। इस सब की वजह से जो फार्मर्स थे वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी आगे आए, इमर्ज हुए, और साथ साथ कंट्री की जो लेवल था, कंट्री लेवल था, उसके ऊपर भी वो इमर्ज होना स्टार्ट हुए, ठीक है। फोर्स इन एग्रीकल्चर एंड इन द ओवरऑल कंट्री उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गई। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।